आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो कवर्धा से मिल रही है। शहर के गांधी मैदान में किसान महापंचायत सम्मेलन हो रहा है, भाजपा कर रही है आयोजित। किसानों से कई मुद्दों पर चर्चा होगी, 5000 से ज्यादा किसान इसमें शामिल होंगे। किसान महापंचायत में शामिल होंगे 5000 से ज्यादा किसान, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रतिपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कृष्णदेव साय के साथ ही राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे भी इसमें शामिल होंगे। शहर के गांधी मैदान में महापंचायत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा ये आयोजन कर रही है, किसानों से कई मुद्दों पर चर्चा होगी और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, महापंचायत को लेकर क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो लगातार जो केंद्र सरकार ने जो किसानों के बिल को लेकर जो है आदेश जारी किए हैं, जिसको लेकर जो है किसान जो है लगातार दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है केंद्र सरकार के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो है किसान बिल के समर्थन को लेकर बड़े राज्यों में 5 स्थानों पर और जो छोटे राज्य है जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ 3 संभागों में जो है किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। बाकायदा यहाँ इस आयोजन में जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक है, राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे है, ये तमाम जो है भाजपा के बड़े नेता जो है किसानों को संबोधित करेंगे। और बाकायदा जो है जो केंद्र सरकार के जो नेतृत्व के तहत जो किसान बिल को लेकर जो आदेश जारी किया है वो किसानों के हित के लेकर जारी किया है, इसको जो है संबोधित करेंगे और उसके बाद ही जो है किसानों के साथ जो महापंचायत के बैठक होगी। बैठक में बाकायदा पूरा जो ब्यौरा है वो नियम और कानून के तहत उनको समझाया जाएगा। प्रदीप, कांग्रेस किसान कानून जो लाया गया है, कृषि कानून, उसके विरोध में कई बार माहौल बनाने की कोशिश कर चुकी है। हालांकि देखा था कि किसान उनके समर्थन में इतना ज्यादा नहीं थे, अब भाजपा ने जो कोशिश की है, क्या अब तक किसानों का रुख साफ हो पाया है कि वो छत्तीसगढ़ के जो किसान है वो इस कानून के विरोध में है या फिर पक्ष में है? देखिए, जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं क्योंकि यहाँ जो किसान जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, इसमें किसान एक भी नहीं है, पूरे जो किसान है वो फर्जी किसान है, ये टोटल जो है कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो केंद्रीय सरकार नेता है वो उन्होंने जो है किसानों को बरगलाने की काम करने का जो है आरोप लगा रहे हैं। इसमें साफ तौर से यही बताया जाता है कि जो किसान बिल का जो समर्थन है वो किसानों के हित के लिए किया गया है। जी जी, चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।